हेलो एवरीवन, आज ये मदरबोर्ड मेरे पास कुरियर से रिसीव हुआ है। ठीक है, एचपी का जो 840G5 850G5, इधर पे लिखा है 850G5, इसका मॉडल का ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है। महंगा लैपटॉप है जो टास्किन के साथ आता है। ठीक है, देख सकते हैं ईडीपी कनेक्टर इधर पे है, इधर पे टास्किन का कनेक्टर है। ठीक है, सो ये एक्चुअली दिल्ली से रिटर्न मदरबोर्ड है। ठीक है, तो मुझे बोला गया था ऐसा एक मदरबोर्ड है जिसमें नो डिस्प्ले है, ऑन होता है बट नो डिस्प्ले में वो रुका पड़ा है। और दिल्ली में दिखाया था, कोई नेहरू मार्केट में इसे घुमाया गया है और उसके बाद उधर से बोला गया है इसका सीपीयू ख़राब है। ठीक है, मेरे पास वैसे जस्ट ये बोलकर कस्टमर ने भेजा है। ठीक है, ये हमारा कुरियर है, हमारा यूट्यूब चैनल का ही कोई दोस्त का है हमारा। ठीक है, सो मुझे बोला गया है जो भाई इसे देखो आप। मैंने बोला था जो ठीक है अब भेज दो, मैं देख लेता हूँ। तो ऑब्वियसली जब मुझे मेरे पास ये रिसीव हुआ, ठीक है, तब मैंने देखा इसका सीपीयू के ऊपर हीट दिया गया है। ठीक है, सीपीयू के ऊपर हीट दिया गया है और देख सकते हो ये प्लास्टिक वगैरह मेल्ट कर गया है। और इसके रीज़न जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। बट इसका जो फॉल्ट था वो सीपीयू में नहीं था। इसका जो फॉल्ट था वो कहाँ था, कैसे मैंने ढूँढा, वो सब बता देता हूँ। बट आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, ऑल टाइम जब भी हमारे पास मदरबोर्ड आए, ठीक है, हमें अप्रोच जो लेना होता है, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप ही लेना होता है। ठीक है, आप स्किप अगर करोगे तो ऐसा ही होगा, आप किसी का महंगा वाला लैपटॉप का मदरबोर्ड डेट कर दोगे। ठीक है, और आप खुद का जो मेहनत है, खुद भी आप जो ट्राई कर रहे हो उसका भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बोर्ड देखकर ही ना लग रहा था भाई इसका क्या मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, इसका इतना ख़राब कंडीशन पे आया था। इसके अगर आप इसका मदरबोर्ड का मैं पार्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, ठीक है, इधर पे ब्रश जो पार्ट नंबर होता है ये इधर पे लिखा हुआ है। ठीक है, वन सेकेंड, अरे फोकस हो जा भाई। हाँ, देख सकते हो। ठीक है, 60508-2945-601-MB-1A0(A1). ओके, सो ये जो हमारा मदरबोर्ड है, तो इसका मुझे जो स्टेटस में मिला और क्या क्या मैंने इधर से कैसे ढूंढा प्रॉब्लम को, मैं एवरीथिंग आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इस मदरबोर्ड का कोई स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको बिना फिक्स वगैरह किधर पे भी नहीं मिलेगा। ओके, बायोस वगैरह छीरा नहीं गया था, मेन बायोस वगैरह आप देख सकते हो फ्रेश है, ये एक अच्छी बात था। ठीक है, बट इसका जो मैंने जब देखा इसका, तभी वो क्या हो रहा था, क्या स्टेटस था, मैं बता देता हूँ। इधर से जब भी मैं डीसी प्लग इन करता था, ये एचपी का मॉडल है, मैंने इधर से जो पीएसआईडी कनेक्टर है वही कनेक्ट किया था। वो कनेक्ट करते ही हमारा 32 ओके पर अटक गया कंजम्पशन। सॉरी, एक फ़ोन आ रहा है, होल्ड कर जो, सॉरी कॉल आ गया था। तो एनीवे, तो मैं जो बोल रहा था, तो जब भी मैंने इधर से डीसी जैक को इंजेक्ट किया तो 32 मिली एम्पियर का कंजम्पशन मुझे देखा। थोड़ा सा पहले स्टेबल हुआ तो थोड़ा सा 12-15 ऐसा गया, उसके बाद 32 पे गया। इसका मतलब है बोर्ड ट्रिगर हो रहा है बट मोस्ट प्रोबेबली उसका एसएलपी सिग्नल मिसिंग है। ठीक है, तो मैंने देखा क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये जो हीट से ये श्रिंकेज हुआ है, इसका रीज़न है इधर पे जो क्रिस्टल लगा हुआ है 32 का, वो किसी ने चेंज किया है। ठीक है, ये 32 का क्रिस्टल चेंज किया है। ओके, चलो मैंने देखा क्यों चेंज किया है, 32 बन नहीं रहा है क्या। तो मैंने DSO से चेक किया, 32 परफेक्टली बन रहा था, तो इसे चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और हो सकता है पहले 32 भी नहीं बन रहा था, उन्होंने ये चेंज करके 32 ले पे आ गया। ठीक है, सो मैंने सोचा ठीक है भाई, चलो अभी देखते हैं क्या क्या वोल्टेजेस अवेलेबल है। तो हमारा जो वोल्टेजेस है, देखो मैंने इधर पे लिखा है 3.3 है, इधर पे 1 वोल्ट प्राइम है, इधर पे 5 वोल्ट है। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली 1.8 है। ठीक है,
तो ऐसे मैंने वोल्टेज चेक किया, तो इनिशियली जो भी वोल्टेज प्रेजेंट होना चाहिए वो प्रेजेंट था। उसके बाद मैंने रैम चेक किया तो रैम मुझे मिसिंग मिला, और रैम का आईसी में जो SLPS4 आता है उसे चेक करने पे पता चला SLPS4 मिसिंग है। तो मैंने जो डायग्नोस इधर पे किया वो है इसका PCH नॉट रिस्पॉन्ड है, बोर्ड बाकी फ्रेश है, किधर से भी कोई भी काम नहीं हुआ है, जस्ट RTC को थोड़ा सा चेक करने का कोशिश किया गया था, उसके बाद डायरेक्ट CPU में हीट दिया गया है। अभी अगर आप इस मदरबोर्ड का पिक्चर डाउनलोड करके देखेंगे, इसके ऊपर एक काला पट्टी लगा होता है, ठीक है, वो पूरा मेल्ट होके पड़ा था, मैंने उसे पूरा उठा दिया, ठीक है, उठा के फेंक दिया वो स्टिकर, ओके, मैंने मुझे देखना था कितना डैमेज आया है। उसके बाद आप देख सकते हो इधर से जो रेड मार्किंग है इधर से नहीं है, वो मैंने ही आउट किया है देखने के लिए, बिकॉज ये सब काला हो गया था, ठीक है, जल के उन्होंने इतना हीट दे दिया, तो मुझे तो लगा भाई इसका CPU ख़राब है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम दिया, ठीक है। तो ये बोर्ड देखकर ही ऐसा लग रहा था भाई ये बोर्ड नहीं बनेगा, बिकॉज इसका कंडीशन ख़राब है, ठीक है, किसी ने इसे अच्छी तरह से छेड़ा हुआ है, ठीक है। और जब भी लोग ऐसा देखते हैं SLP सिग्नल नहीं आ रहा है, वो लॉजिकली नहीं सोचते हैं, डायरेक्टली CPU पे हीट देना चालू करते। ये मुझे जस्ट ये वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर इस बोर्ड को जिसने काम किया है वो देख रहा है और कोई भी टेक्नीशियन देख रहा है, आपका जिम्मेदारी है आप डायग्नोस करो। डायग्नोस पे अगर आपका प्रॉपरली आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, CPU को छेड़ो मत, भेज दो किसी और के पास, ओके, और कस्टमर को बैक कर दो, बिकॉज क्या होता है आपका ही नाम ख़राब होगा, ठीक है। मैं तो कस्टमर को बोलूँगा ना इसके बारे में, ये तो वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो कस्टमर देखेगा और कस्टमर वो दुकान के बारे में क्या सोचेगा, जो भाई वो से मुझे बोला था एक मेरा 50-60 हज़ार का एक लैपटॉप का, मुझे बोला उसका मदरबोर्ड ख़राब है, ठीक है, और ये मदरबोर्ड महंगा है, ये i5 8th generation है, ठीक है, सो ये महंगा मदरबोर्ड है और लैपटॉप भी महंगा है, उनको बोला है उसे मदरबोर्ड रिप्लेस करना है, ठीक है, सो कॉस्टली है, ठीक है। तो anyway, तो अभी मेरा डायग्नोस पे मैं आता हूँ, जो मैंने क्या किया, मैंने देखा इसका जो भी वोल्टेजेस वगैरह है वो तो इनिशियली में परफेक्टली बन रहा है, RTC उसका ओके है, ठीक है, RTC में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट फिर भी इसका SLP सिग्नल नहीं आउट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास तो राइट नाउ माइक्रोस्कोप नहीं है, मैंने जस्ट इसका इस्तेमाल किया, देख सकते हो इसका मैग्नीफाइंग पावर अच्छा है, देख सकते हो इधर पे ट्रैक पे कुछ किया है मैंने, देखो तो एक्चुअली जस्ट इसके मदद से ये 100 रुपये का एक क्या बोलूँगा मैग्नीफाइंग ग्लास से मैंने इस मदरबोर्ड को रिपेयर कर दिया, ठीक है। कैसे किया, जस्ट फिज़िकल इंस्पेक्शन से। तो आपको जो ध्यान देना है वो है बोर्ड का कंडीशन, देखो बोर्ड सभी जगह से चमक रहा है, इसका मतलब ये नहीं है बोर्ड का ट्रैक कभी किधर से भी आपका ख़राब हो सकता है, ऐसा नहीं है, आपका बोर्ड देख कर अच्छा लग रहा है तो ऐसा है, सभी ट्रैक वगैरह ओके है। मैंने जब अच्छे से चेक करना शुरू किया एवरीथिंग, ज़्यादातर CPU के एरिया पे, बिकॉज मुझे PCH पे डाउट था ऑब्वियसली, इसलिए उन्होंने हिट मार दिया, बट फिज़िकली नहीं देखा। तो फिज़िकली जब मैंने देखा मुझे पता चला इधर पे बहुत थिन थिन ट्रैक्स है, ठीक है, जो PCH का डेटे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लाइन पे कॉरोशन है। मैंने पूरा सर्जिकल स्ट्राइक डाल दिया इधर पे, ठीक है, नाइफ कटर से पूरा मैंने कट करके निकाला इसका पैड। निकालने के बाद मुझे दिखाई दिया अंदर से वो सही लग रहा है, अंदर से ख़राब नहीं लग रहा है, वो गोल्डन पैड निकल गया, बट मेरा एक एक्सपीरियंस था, ओके, और गोल्डन पैड निकलने के बाद भी मैंने चला के देखा वो 32 पे ही स्टक था, ठीक है, बट मेरा एक एक्सपीरियंस था, एक केस था मेरे पास, एक लेनोवो का एक केस आया था, उसमें भी ऐसा था। तो उसको जो मैंने उसको जब उसका रेजिस्टेंस चेक किया उस लाइन का, एवरी लाइन का उधर पे भी ऐसा सरा हुआ था, ऐसा ट्रैक रेजिस्टेंस चेक किया, तभी मुझे दिखाई दिया एक दो लाइन का रेजिस्टेंस आपका 7-8 ओम हो गया, एक जस्ट कॉपर पैड है इतना तो डिस्टेंस, मैंने 1 मिलीमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, उसमें 7-8 ओम हो गया, इसका मतलब वो ट्रैक तो लग रहा है बट उसका कंडक्टिविटी ख़त्म हो गया, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा।
तो इसे रिपेयर करने के लिए आप कुछ नहीं करो, अच्छा वाला फ्लाक्स डालो, ठीक है। मैंने रिलाइफ का जो ये BGA पेस्ट मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, BGA फ्लाक्स है ये, देख सकते हो RL का 2421S, तो मैंने इसे डाला और अच्छे वाला मेरा सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग वायर से इधर पे ट्रैक के ऊपर से सोल्डरिंग जो आपका नाइफ बिट्स है उसे थोड़ा सा रब कर दिया, ओके। उसके वजह से क्या हुआ, ईच एंड एवरी जो कॉपर पैड है उसके ऊपर सोल्डर का एक लेयर बैठ गया और आपका जो कंडक्टिविटी था वो बनना चालू हो गया, बिकॉज इसमें भी मुझे कंडक्टिविटी का इशू मिला। इसमें कभी कभी वो दिखा रहा था 3-4 ओम, कभी कभी वो दिखा रहा था 10-12 ओम, तो वेरिएशन कर रहा था। एकदम 0 ओम के साथ बीप मुझे नहीं मिल रहा था, कभी कभी तो बीप भी नहीं मिल रहा था। तो इसे ही बोला जाता है आपका ट्रैक सड़ जाना, ट्रैक का ख़राब होने के वजह से आपका ये मदरबोर्ड डेड था और कुछ नहीं था इस मदरबोर्ड में। तो मैंने तो यही सोचा भाई इस पर डिस्प्ले नहीं बनेगा, बोर्ड तो ऑन हो जाएगा बट डिस्प्ले नहीं बनेगा। बट लकीली जितना भी हीट दे दो, हम लोग तो बोलते हैं भाई 8th generation का मदरबोर्ड है सोफिस्टिकेटेड, बट ये CPU सर्वाइव कर गया, ओके। मुझे इसमें डिस्प्ले मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है, कस्टमर का भी बहुत सारा पैसा उन्होंने सेव कर सकते हैं कर लिया इस वजह से। और मैंने ये जो ग्लू होता है इस साइड से मैंने उठा के अच्छे से इंस्पेक्ट कर लिया, ये साइड ही सड़ा हुआ था इस साइड से, तो मैंने देख लिया ओके था, ओके। जब भी आप ऐसा ग्लू वगैरह उठाओ इधर पे आपको हीट देना पड़ेगा, आप 150 तक हीट दे सकते हो, ओके। और इस ग्लू को हल्के हाथों से ट्वीज़र से इसे उठा सकते हो, बट ऐसा नहीं स्क्रैच करके पूरा ट्रैक ही गायब कर दो आप, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड बन गया मेरा। तो मदरबोर्ड का केस क्या था, केस कुछ नहीं था, जस्ट सड़ा हुआ ट्रैक था। अभी ट्रैक अच्छे से मैं दिखा देता हूँ कैसे मैंने रिस्टोर किया ट्रैक को, ठीक है। आप लोग क्लोजर पे आ जाओ, ठीक है, दिख रहा है अभी, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। देखो ये सब ट्रैक को अच्छे से देखो, ठीक है, देखो ये ट्रैक्स, देखो ये ट्रैक्स, ये ट्रैक्स, ये और इधर से और एक ट्रैक था ये, ओके। तो मैंने इसे प्रॉपरली, चलो अभी तो परफेक्ट है, राइट, देखो अभी दिख रहा है ना कितना क्लीन है। तो थोड़ा सा मुझे बहुत थीन ट्रैक्स है, ठीक है, मैंने जस्ट अच्छे से ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चल गया। देखो ये कैपेसिटर और रेजिस्टर थोड़ा सा नॉकआउट हो गया था, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर मैंने फिर से लगाया, थोड़ा सा टिल्टेड है। एनीवे इधर पे ज़्यादा तो हीट देना अलाउड नहीं है बिकॉज CPU है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लगा के ही छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो ये सब जो लाइन था ये ही हमारा मिसिंग चला गया था, ठीक है, इसके वजह से हमारा कंडक्टिविटी नहीं बन रहा था। मेनली मैंने देखा ये जो मैंने खुरद के मिडिल वाला निकाला है, ये लाइन, इसमें कंडक्टिविटी का इशू था बहुत ज़्यादा, ओके। तो इसके वजह से इसका मेन प्रॉब्लम आया था, ओके। सो अभी एकदम सही है मदरबोर्ड, मैंने डिस्प्ले भी देखा इसका, ठीक है, इसका जो आपका क्या बताओ, इसका जो HDMI है उस पर मैंने डिस्प्ले इसका मिल गया और आपको भी दिखा देता हूँ और कस्टमर भी देख ले, उनका भी दिल हल्का हो जाएगा और कुछ नहीं। और कस्टमर ने एक चीज़ मुझे नहीं दिया है, वो है हीट सिंक, ऐसे ही भेज दिया है, ऐसा मत किया करो, CPU आपका डैमेज हो सकता है। और आपका मैंने जो 10th generation है ना वो हीट सिंक के बिना मैं डिस्प्ले भी लेके नहीं आ सकता बिकॉज इतना हीटअप होता है, ये भी हीटअप होता है। तो क्या करो, एक AMD का प्रोसेसर ले लो, ओके, AMD का जो ICH होता है इंटीग्रल हीट स्प्रेडर, ये ICH बहुत थिक होता है, तो ये बहुत अच्छे से हीट को सोख सकता है। थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लगा के इधर पे लगा दो, ठीक है, तो ये हीट सक कर लेगा आपका। तो ये ऑटो ऑन है बिकॉज इसका बैटरी लगा नहीं है CMOS, ओके, तो इसमें तो CMOS नहीं होता है, बैटरी से ही इसका CMOS बनता है। तो ये डायरेक्ट ऑन होगा और मैंने इधर से भी ऑन ऑफ करके देखा है, इधर से लेफ्ट आपका राइट से 3 नंबर पिन जो है वो ऑन ऑफ है, इधर से आपका प्रॉपरली ऑन ऑफ भी हो रहा है मदरबोर्ड, ठीक है, और डिस्प्ले भी बन रहा है।
मैं थोड़ा सा इसका प्रिपरेशन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और मैंने USB पे भी डिस्प्ले देखा है इसका, ठीक है, USB भी इसका वर्किंग है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ अभी इनिशियल में स्टेटस। तो देखो 19 वोल्ट एंड 2 एम्पियर पे मैंने सेट करके रखा है, ठीक है। तो मैं इधर से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से इसका अपोजिट साइड येलो लाइट है, वो चालू हो जाता है। आप करंट पे ध्यान दो और मेरा थोड़ा सा मैं UPS ऑन कर लेता हूँ, मेरा मॉनिटर ऑन हो जाए, ठीक है। देखो, ठीक है, 17, 16, 18 थोड़ा सा डाउन जाएगा, ये गया, ये बोर्ड ऑन हो गया, ठीक है। बोर्ड ऑन हो गया, 400-500 के करीब जाएगा, उसके बाद 300 पे सेटल डाउन करेगा, ठीक है। देखो 500, ओके, थ्री हंड्रेड पे चला जाएगा जब, तब हम लोग डिस्प्ले पे चले जाएंगे, ओके। ये 300 पे आ गया, मोस्ट प्रॉब्ली डिस्प्ले बनने ही वाला है, ओके। तो इधर पे ध्यान देते हैं हम लोग, सीपीयू उसका हीटअप कर रहा है, 350 है और आरटीसी रीसेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्प्ले लेट आ रहा है। बट अगर आप बंद करके फिर से स्विच से ऑन करोगे तो जल्दी जल्दी डिस्प्ले आ रहा है। ये डिस्प्ले आपका बन गया, ओके। तो ये पोस्ट एरर आ रहा है, देख सकते हो, ठीक है, आरटीसी क्लॉक फेलियर है। तो ये आपका मदरबोर्ड चालू हो गया, 400 करीब अभी करंट कंजम्पशन है। अगर मैं इधर से ऑफ करूँ, ठीक है, पिन नंबर 3 पे, ये बंद हो गया, देख सकते हो अभी करंट का स्टेटस है 17-18, ओके, कुछ नहीं उठा रहा है। अगर मैं इधर से स्विच करूँगा, ये फिर से ऑन हो गया, देख सकते हो, ठीक है, और डिस्प्ले भी आ जाएगा इसका, ठीक है। अभी ये बैटरी अलर्ट दे रहा है बिकॉज़ आरटीसी तो अभी नहीं होगा बिकॉज़ मैंने बोर्ड पूरा बंद नहीं किया, ओके। तो ये मदरबोर्ड आपका रेडी हो गया। मैं जानता हूँ जो इसका ओनर है वो तो बहुत ही खुश होगा, उनका CPU बच गया है, ठीक है। इसके वजह से ही मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है इस केस को शेयर करते हुए, कि भाई थोड़ा सा मेहनत के वजह से मेरा इसका CPU बच गया है और ये मदरबोर्ड उनका फिर से वर्किंग में चला गया है। जो इतना अच्छा मदरबोर्ड फेंकना बहुत ही ख़राब है। तो मैंने तो सोचा था भाई इसका जो केस है, ठीक है, ये मुझे फिर से रिटर्न भेजना पड़ेगा उनके पास, बिकॉज़ अब जानते हो नेहरू मार्केट वगैरह में बहुत अच्छा बंदा काम पे लगता है, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता, ये ही सच बात है, ठीक है। अगर वो भी इस पे टाइम देता तो 100% हो जाता, बट उनके पास ना इतना टाइम नहीं है, वो बैठ के आपका सब कुछ डायग्नोस करे, ठीक है। तो यही होता है, इसकी वजह से हम लोगों के पास, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मदरबोर्ड के ऊपर 10-10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा भी दे चुके हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने करीब 7 घंटा मैंने दिया है, ठीक है, करीब 7 घंटा, 6-7 घंटा, बिकॉज़ इसे मुझे रिपेयर करना था, बिकॉज़ अभी इसे देख के ही मुझे बुरा लग गया, ठीक है। बिकॉज़ ये मदरबोर्ड ना बहुत ही महंगा है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, और कस्टमर का इतना नुकसान हो गया। मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया था बंदे ने, ठीक है, जो सर आप ही देख दीजिए, ठीक है, सो अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए मेरा थोड़ा दिल में भी लगा कि भाई इतना अच्छा मदरबोर्ड किसी का ख़राब हो जाए वो तो बहुत ही दुख की बात होता है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा मेहनत किया और इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट इसका ट्रैक ख़राब था, ट्रैक बनाते ही आपका बोर्ड बन गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और सॉरी ये वीडियो वगैरह, ये सब वीडियो ना बनाना नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ अब जब होते हो ना, जब आप लोग वीडियो पे होते हो तो क्या होता है, कंटिन्यूस काम करना पड़ता है, ब्रेक नहीं ले सकते, और ये सब काम ना देख कर ही डर लग जाता है, भाई इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2-4 मदरबोर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद एक मदरबोर्ड पे काम करता हूँ, ठीक है। एक और भी कुरियर वाला मदरबोर्ड आया था, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, ओके। ये आपका एच टाइप प्रोसेसर है, देख सकते हो, ठीक है, हाई पावर वाला प्रोसेसर है, डेल का है। तो इसका भी बहुत ही बुरा हुआ, इसका CPU चला गया, ठीक है, देख सकते हो इधर पे, थोड़ा अगर फोकस करो तो इधर पे देख सकते हो। मैं एक सेकंड, मैं एक्चुअली क्या है, ये सब बोर्ड ना ESD बहुत ESD में ख़राब होता है, ठीक है,
ये तो ख़राब है, इसका सीपीयू चला गया, ये मैं साइड कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें इधर पे रख देता हूँ। और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज़ इसका तो वीडियो नहीं आएगा, इसका वीडियो मैं बनाऊँगा एक काम के लिए। मैंने कस्टमर से ले लिया है इस मदरबोर्ड को, ठीक है, स्क्रैप पे ले लिया है, बिकॉज़ ये मदरबोर्ड नहीं बनेगा। ओके, सिक्स जनरेशन है ये, ठीक है, बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, आप देख सकते हो, ठीक है, आपका डील का है, ठीक है, ये 4141 है, हाँ देखो 141P है, ठीक है, ई वाला। सो इसमें ना एच टाइप प्रोसेसर आता है, इसे एच टाइप बोला जाता है, ठीक है, हाई पावर वाला प्रोसेसर है ये, अलग से PCH है इसका, ठीक है, 6-7 जनरेशन जो आता है वही है। तो इसका i5 इसका 6 जनरेशन था, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट को अगर आप देखोगे, ठीक है, लाइट में आई डोंट नो कैमरा में कितना आ रहा है, ये पार्ट येलोइश हो गया, बैक से तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ये देखो ये पार्ट बर्निंग के वजह से येलोइश हो गया। आपको लगेगा क्या हुआ है, आपको लगेगा ये जो मॉस्फेट एंड ड्राइवर आईसी होता है, ठीक है, ये ख़राब है, बट ये नहीं है एक्चुअली ये सही है, ये लोड इसका इतना करंट इसको दिया है मदरबोर्ड, ये जो आपका आईसीज है इसके वजह से इसका जो ट्रैक है वो काला पड़ गया, बिकॉज ये पूरा एकदम 2 ओम के साथ शॉर्टिंग है, ठीक है। ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड मैंने ऑन किया था, ठीक है, ये डेट था पहले, इसको ऑन करने के बाद मुझे पता चला भाई इसका सीपीयू ख़राब है, ये मेरा ही गलती है, मैंने पहले नहीं देखा, ठीक है, मैं थोड़ा सा बहक गया था। तो इधर पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये 2 फेज़ है, एक फेज़ ये है, आपको दिख रहा है 2, अरे यार अभी देखो, ठीक है, इधर से देखो 2 1 1 1 ऐसे करने से आता है, ठीक है, तो 100% शॉर्ट है, फिर भी ये मदरबोर्ड ट्रिगर हो रहा है, एकदम ट्रिगर होगा, 1.5 एम्पीयर के करीब जाएगा और बंद हो गया, ठीक हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसका सीपीयू ख़राब है। मदरबोर्ड एकदम ओके है, इसका सीपीयू रिप्लेस करने से ही इसका मदरबोर्ड बन जाएगा, बट 6th जनरेशन का एच टाइप का सीपीयू का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, इसके वजह से कस्टमर नहीं चाहता है, तो वो चाहता है उस लैपटॉप को सेल करना, तो मैंने उसे ख़रीद लिया है, ठीक है, उस लैपटॉप को, उसका स्क्रीन वगैरह अलग अलग जगह सेल हो जाएगा, और ये मदरबोर्ड मेरे पास स्क्रैप में अवेलेबल हो गया है। और अभी तो इसे मैं क्या करूँगा, एक्चुअली इसे मैं यूज़ करूँगा सी टाइप का वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो सी टाइप का वीडियो आने वाला है, बहुत मेहनत किया है मैंने, आपको मैं दिखा देता हूँ। इधर पे एक नया मैंने डायरी लिया है, ठीक है, जिसमें सी टाइप का ही कंटेंट मैंने राइट किया है, देख सकते हो, ठीक है, काउंट करो कितना पेजेस है, काउंट करो। ओके, बहुत बड़ा वीडियो वो होने वाला है, 2 पार्ट में आएगा, ठीक है, इधर तक हो गया, ठीक है, और इसके बाद इधर पे मैंने प्रिंट आउट निकाला है जो आपके लिए मुझे पराना होगा, ये सब, ठीक है, ये सब कुछ आपको पराना है मुझे, सो ठीक है, समझ गए। तो ये जस्ट ट्रेलर था, अभी प्यूरा पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, सब लोग वेट कर जाओ, 4000 पे इच्छा है वीडियो डालने का सी टाइप का, अगर सब कुछ सही रहा तो ऑब्वियसली। और इस मदरबोर्ड को मैं यूज़ करने वाला हूँ सी टाइप को समझाने के लिए, ठीक है, अगर सब कुछ सही हुआ तो ऑब्वियसली, हो सकता है ये मदरबोर्ड मैं छोड़ के और कोई मदरबोर्ड पे शिफ्ट कर जाऊँ, बट अभी तो इच्छा है इस मदरबोर्ड में ही आपको दिखाऊँगा सी टाइप का, ठीक है। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपके पास ऐसा कोई भी मदरबोर्ड आए जिसमें आपका ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, अब ज़रूर उसका जो ट्रैक वगैरह है उस पर ध्यान देना सीखो, और उसके साथ साथ आपका जो फिज़िकल इंस्पेक्शन है उस पर जोर दो बहुत सारा, ठीक, बिकॉज बहुत सारा केस फिज़िकल में सॉल्व होता है। और अगर आप खुद का आप लैपटॉप रिपेयर करना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा, उधर से आप कुरियर कर देना, मैं आपका लैपटॉप का जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का 100% ट्राई करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और सी टेक के वीडियो के लिए रुक जाओ, अभी तो और 200 ही सब्सक्राइबर के करीब बाकी है 4000 होने में। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइस, आपने जो ये प्यार जताया है मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी है,
ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, हाथ जोड़ के मैं सभी को बोल रहा हूँ, और 4000 पे मैं ट्राई करूँगा आपका सी टेक का वीडियो देने के लिए। इसके लिए बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सच बताओ तो। घर पे डायरी पे मोस्ट प्रोबेबली 12-13 पेज का मैंने पूरा नोट बनाया है आप लोगों के लिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप है। जो भी आपको चेक करना है, जो भी आपको देखना होता है, कैसे स्विचिंग होता है, ठीक है, कैसे पावर जाता है, फ्यूचर में क्या आने वाला है, ठीक है, अभी क्या है, ये सब हाइब्रिड है। ठीक है, इधर पे देख सकते हो डीसी जैक, इधर पे देख सकते हो सी टाइप, और सी टाइप ऐसा वैसा सी टाइप नहीं है, इधर पे पीडी कंट्रोलर लगा हुआ है इसका। ठीक है, ये पीडी कंट्रोलर है, पीडी कंट्रोलर है, और इसे ही देखते ही हमें पता चल जाता है ये मदरबोर्ड सी टाइप पे भी वर्क करेगा, डीसी जैक पे भी वर्क करेगा, सेम ये मदरबोर्ड भी जो आपको मैंने रिपेयर का चार्ज दिखाया। ओके, ये भी डीसी जैक से आता है, देख सकते हो डीसी जैक इसका। ठीक है, इसका डीसी जैक इधर पे है, बट इसका जो अगर ऑपोजिट साइड घुमाओगे देख सकते हो ये सी टाइप है, और इसका पूरा लाइन ये पीडी कंट्रोलर पे जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा मदरबोर्ड, बहुत सारा आईसी यूज़ करता है, तो रेफरेंस के लिए मैं, मेरा इच्छा है ये मदरबोर्ड को यूज़ करने का। ठीक है, हो सकता है मैं और कोई मदरबोर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, बट अभी तो यही इच्छा है। इसमें अगर सब कुछ क्लियरली आपको विजिबल करा सकता हूँ मैं, तो मैं इस मदरबोर्ड को आपको दूंगा। ठीक है, रेफरेंस के लिए यूज़ करूँगा। अगर देखता हूँ इससे भी अच्छा कोई मदरबोर्ड हो जाए जिसमें और भी क्लियरली आपको समझा सकता हूँ, तो ये मदरबोर्ड छोड़ कर वो मदरबोर्ड पर शिफ्ट कर जाऊँगा। ठीक है, अभी वादा नहीं करते हैं, जस्ट आप ये समझ लो सी टाइप के ऊपर काम चल रहा है, सी टाइप का वीडियो जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो अभी वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी भल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहो, खुश रहो। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी और कोई वीडियो में। ओके, बाय बाय। Like I'm floating.